सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। 7 जून को रिलीज होने वाली मूवी हम तो हमारी 12 का ट्रेलर आने के बाद से मुस्लिम समाज में गहरा रोष दिखाई दे रहा है। इसी बीच नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से वैरायटी चौक पर आंदोलन किया गया। गौरतलब है कि यह आंदोलन नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में किया गया, जहां मौजूद अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। जहां अपने विचार रखते हुए वसीम खान ने बताया कि इस मूवी में मुस्लिम समाज के विषय में गलत अफवाह फैलाई गई है और कुरान शरीफ की आयतों का गलत मतलब निकाल कर मुस्लिम समाज के करोड़ों मानने वालों के दिल को ठेस पहुँचाने का काम किया है। मूवी के ट्रेलर में मुस्लिम समाज में महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है और इन्हें घर के अंदर रखना चाहिए, ऐसा प्रतीत क्या क्या है। उसे पेज बताते हुए खान ने कहा, जबकि मुस्लिम समाज में महिलाओं को पुरुषों से बराबरी का दर्जा दिया गया है, ऐसी मूवी लाकर समाज एवं देश का वातावरण खराब करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार से और सेंसर बोर्ड से अपील है कि इस मूवी को रिलीज होने से रोका जाए, वरना हम इस मूवी को नागपुर में नहीं लगने देंगे और अगर मूवी रिलीज हुई तो सिनेमाघरों के सामने एवं अंदर घुसकर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रदेश अल्पसंख्यक के कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमन कलवाले, महासचिव अतीक कुरैशी, महासचिव सैयद मुमताज अली, उत्तर नागपुर अध्यक्ष बाबू खान, मध्य नागपुर अध्यक्ष राजू अंसारी, शहर उपाध्यक्ष शेख आसिफ, हाफिज पठान, सदुद्दीन अंसारी, शहर महासचिव दानिश बाबा, फिरोज खान, शेख सफी, मुख्तार भाई अली, तौसीफ पठान, सन्नी बुल्लर, सचिव जिशान खान, साजिद पटेल, जावेद भाई, मुश्ताक भाई, सतीश साखरे, फैज मोहम्मद इसराइल, मोहित पखाले, आमिर व आदि उपस्थित थे। इस मूवी जो जिसका नाम हम दो हमारे 12 है, ये मूवी को बैन करने का रीज़न ये है कि इस मूवी का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसमें ऐसा फिल्माया गया है कि कुरान की कुछ आयतों का ऐसा मीनिंग निकाल कर बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, मुस्लिम समाज सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए यूज़ करता है। तो इसमें सरासर गलत मुस्लिम समाज के बारे में बताया जा रहा है, इसमें कुरान के बारे में गलत बताया जा रहा है, कुरान का गलत मीनिंग निकाल कर मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से सेंसर बोर्ड से ये मांग है कि इसको रिलीज़ बैन करो और इसका रिलीज़ नहीं बैन हुआ तो हम थिएटर में भी जाकर ऐसी आंदोलन करेंगे और पर्दा जलाने और पर्दा फाड़ने की बात आई तो वो भी हम करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।